चश्मे के पानी में कैसा गुबार आ गया है। वो बूढ़ी जुबानों की मुश्किल कहानी थी क्या, नक्श जिनके हवाओं ने कुमला दिए। बिखरी हुई दास्तानें निशान दर निशान जिंदगी का हवाला, उजड़कर शराबों की सूरत है बाकी। गुजरते मेरी कारवानों की यादें, शिकस्त तनावों पे खैमों की तहरीर क्या था, पढ़ी भी न जाए सुनी भी न जाए। जले पत्थरों पर ठहरती शबों की ये क्या राह लिख कर गई है। वक्त ने जब ये सोचा तो ऐसे लगा जैसे वादी के सब सर पत्थर पिघलने लगे। सरबुलंद और भरपोश ये चोटियां और खामोश खामोश ये वादियां, इनके सीनों में है दफन सदियों के राव। वक्त रुकता नहीं, वक्त रुकता नहीं। मौसमों की ऊंच नीच ही तो बलोचों की तारीख, और मेरी ये तमन्ना है कि यह हमारा मुकद्दर ना बने। बहरहाल मौसम तो गुजर जाने वाली शय है, हमें इससे खायफ नहीं होना चाहिए। वैसे कल की घोड़दौड़ और निशानेबाजी कैसे रहेगी? रगों में खून अपने औसाफ के साथ दौड़ता है, मुझे उनकी कारकर्दगी पर हैरत नहीं इत्मीनान हुआ है, मसरत हुई है। वाकई वाकई ये दिल को खुश कर देने वाला एहसास था। लेकिन मीर शेख, तुम्हारे निशाने की बात ही कुछ और है। तेरा निशाना मेरी कुव्वत इरादी और तजुर्बे पर मुनासर है, अब इसमें बिनाई का दखल बहुत कम रह गया है। मेरे हाथों से निकले हुए लाखों तीरों ने मुझे यकीन के मकाम पर ला खड़ा किया है। अब अगर वक्त की आंधी मुझे अंधा भी करते तो वो मेरे यकीन को गुमान में नहीं बदल सकती। हाँ वाजा, तुम्हारा यही यकीन हमारा एतमाद है। नजबन, याद रखो यकीन का मकाम दिल होता है, जहां से पूरे बदन में फैलाव के लिए खून उमड़ता है, जिसे सब और साफ नस्लों तक मुंतकिल होते हैं। वो बच्चे जो कल तक हमारी उंगली पकड़कर हमारे साथ चला करते थे, मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने इस फैले हुए यकीन को साथ लेकर चलें, क्योंकि मैं अब उस चट्टान की मानिंद हो गया हूं जिसको वक्त की यलगार ने
मुस्ताकम तो कर दिया है, लेकिन उसका हर थपेड़ा बड़ी आहिस्तगी से इंसान को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। हम सब आपकी खैर और सलामती के तलबगार हैं। नाजवानी तो सिर्फ आपके दुश्मनों को जेब देती है। वक्त और तजुर्बात के बोझ को आसान मत समझो, क्योंकि बोझ को बहलाया नहीं जा सकता, ये तो रेजा रेजा कर देने वाला अमल है। मीर, कूच के बारे में क्या हुक्म है? इंतजार। ये बीमार और कपकपाती सोच है बाबा कि कोई और हमारी मसलियत हमसे ज्यादा बेहतर जानता है। हम 40,000 अफराद के पेशरो हैं, इतनी बड़ी कुव्वत के होते हुए मसलियत के मानी बुजदली बन जाते हैं, और फिर हम कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे। आने वाले सुनहरी दिनों की तरफ बढ़ना चाहता हूं मैं। कोराम, सरदार शेख तुम्हारा बुजुर्ग है, मेरा भाई, तुम कोई गलत कदम नहीं उठाओगे, क्योंकि उसकी सोच, उसके ख्वाब सब हमारे लिए है। वो हमारी आंखों के ख्वाब नहीं देख सकता बाबा, ना हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ दिखाना होगा। जब तक हम मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां डालकर आतिशदान को नहीं भड़काएंगे, तब तक उसे हमारे अंदर की आग का एहसास नहीं हो सकता। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे बाबा, तो यकपस्ता हवाओं में हमें अपने वजूद का एहसास तक नहीं रहेगा। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। सरदार को सिर्फ बीवर्क के सिवी और कच्ची से वापस आने का इंतजार है। वो करता रहे इंतजार, मैं इतना इंतजार नहीं कर सकता। उसके आने तक मैं अपने 40,000 बंदों को, ये माल मवेशी कीमती ऊंटों को बर्फ का कफन पहना कर बैठा रहूंगा। हम कूच करेंगे बाबा, यही मेरा मशवरा। ये तुम्हारा मशवरा है, लेकिन सरदार का ख्याल है कि कूच के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है। तो मुनासिब वक्त कब आएगा बाबा? आएगा या नहीं, क्या पता।
तुम हो। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आल तमाम तफसील लेकर आया हूं। तुम जल्दी पहुंचने का है, अब अपने यहां से चलना चाहिए। रोटी तो खाकर जाएं, सफर लंबा है। ऐसा करें साथ ले जाएं। हाँ ठीक है। बख्तावर तो कपड़ा लाना। आपकी मेहमान नवाजी बहुत याद आएगी। चलो यहां मौला मदद। अल्लाह यमान। ये सूरत हाल हम सबके लिए अफसोसनाक है। मसला एक सरदार का नहीं, उनके मोतबरीन का नहीं, बल्कि कौम के तमाम कबाइल और उनकी माल मवेशियों की जिंदगी का है। सरदार आपकी सोच काबिल सताइश है। दर हकीकत नई राहों की तलाश हमारी अहम तरीन जरूरत है। इसी मकसद के लिए हमने सीस्तान से हिजरत की थी, ताकि हम अपनी शाखें दूर दूर तक फैला दें। अगर हालात में कुछ तो बहरहाल बहर सूरत करना है और इसी में बेहतरी और भलाई है। लेकिन उस कूच से क्या फायदा, एक अजदे के मुंह से बचने के लिए दूसरे अजदे की पनाह ली जाए। हमें फसलत की बजाय तदब्बुर से काम लेना होगा। हाल है जी, 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 जी। हाल दो कि तुमने सीवियर कच्ची के इलाके को कैसे पाया। सरदार अल्लाह की अमान और आपके सर की सलामती। जो कुछ सुना था उससे बढ़कर पाया। सेवी और कच्ची की चरागाहों पर सब्जा बरसता है, फसलें तैयार खड़ी हैं और पानी आप हयात। सरदार मेरी राय है कि हमें मजीद वक्त जाया किए बगैर यहां से कूच करना चाहिए। लेकिन अमर नहानी मेरा फैसला तुमसे मुख्तलिफ है। क्या आप हमें अपने फैसले से आगाह करना चाहेंगे? निजार खान मेरा फैसला है कि बलोचों की बहादुरी और फतह की इस निशानी को माले मतलू का नहीं बनने दूंगा। मैं इस इलाके के इंतजाम किसी के सपुर्द करके ही कूच करूंगा। गौराम खान फौरी कूच के लिए जिद कर रहा है। गौराम जज्बाती नौजवान है, उसकी रगों में भी हमारा ही खून दौड़ रहा है और अगर उसने कुछ का फैसला कर लिया है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। नर्सबंद जी सरदार, गौराम से कह दो कि वह आज ही लाशार कबाइल को साथ लेकर तरामूला के रास्ते गंदावा और गजान की तरफ कूच करे। चंद दिनों के बाद हम खुद तरबलाल के रास्ते सीवी की तरफ कूच करेंगे।
इलाकों से आने वाले खाना बदोशों ने हमारे कई सरहदी इलाकों पर कब्जा कर लिया और हमारे महाफिस उन्हें रोकने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आली मर्तबत, बात बात पे कट मरने वाले नवारिद बलोच जो ताइफा लाशार कहलाती है अपने अमीर कोहराम के इशारे की मुंतजर रहती है। ये लोग अपने सरदार का इशारा पाते ही आगे बढ़कर हमारे इलाकों पर कब्जा जमा लेते हैं। आलीजा, हमारे पास सरहदों की हिफाजत के लिए बाकायदा फौज नहीं है, इसलिए हम हमलावर लश्कर को पर वक्त आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। हमें मालूम है कच्ची के लोग खुशहाल और अमन पसंद है, इसके अलावा हमें कभी किसी बैरूनी हमलावर से कोई खतरा नहीं था, इसलिए हमने कभी सरहदी फौज रखने की जरूरत महसूस ही नहीं की। आलीजा, उनकी तरफ से सरहदी खिलाफ वर्जियां रोज ब रोज बढ़ती जा रही हैं। उनका लेजा तीर की मानिंद और बात तलवार की नोक पर है। अगर हमने उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की तो उनके हौसले बुलंद होंगे और वो मुस्तकबिल में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो। हमें इस बढ़ते खतरे का पूरी तरह एहसास है और उनसे निमटने के लिए अपने आली मकाम जामनंदा निजामुद्दीन से फौरी कुमक की दरखास्त की है। कुमक मिलते ही हम उन पर भरपूर हमला कर देंगे और उन्हें अपने इलाके से निकाल कर दम लेंगे। दोस्तों, कुछ तो सुबह करना है, क्या ये अच्छा हो कि आज रात इस महफिल की इब्तदा पीर की कलाम से की जाए। वाह वाह वाह, बिल्कुल क्या बात। क्यों पीर? ठीक है ठीक है। सरदार शेख की अचानक बीमारी की वजह से कल सुबह की कोच मुलतवी कर दी गई है। अल्लाह खैर करे। मेरी ख्वाहिश है कि गांव की शाखें दूर दूर तक फैल जाए। सरदार की हैसियत से गांव की मंजिल का तायुन करना मेरी जिम्मेदारी है। गांव को मंजिल पर पहुंचाने से पहले मंजर से हट भी सकता हूं। सरदार, क्या हुआ? खैर तो है?
ریان جی سردار تمام امرا کو بلا کر لاؤ جی سردار سست رفتاری سے آئے یا تیزی سے چھپٹ لے وقت کھا جانے والا عمل ہے جسے پہاڑ بھی آزاد نہیں ہے سردار اس قدر نا امیدی کیوں پیر ہیبتان امیدی تو ارادوں کو جلا بخشتی ہے سردار امن روحانی فنا اپنی تاک میں ہے تم لوگ سب مل کر اپنے لیے اپنی قوم کی بقا کے لیے کوئی مناسب رہنما چن کر یکجا ہو جاؤ بس یہی میں نے تمہیں کہنا تھا جنگل خبر ملی ہے کہ حاکم گنداوا نے حملے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اور اب صرف اسے جامی کمک کا انتظار ہے یہ تو بہت بری خبر ہے سردار فوجی کمک کے ملتے ہی دشمن کے حوصلے اور بڑھ جائیں گے اور وہ ایک بڑی تعداد کے ساتھ ہم پر حملہ کر دے گا ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا دشمن کے مقابلے میں ہماری تعداد بہت کم ہے خیر اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا بابا جان بھی سردار شیخ کی بیماری کا سن کر اس کی عیادت کے لیے گئے ہوئے ہیں سردار میرے خیال میں اس سلسلے میں عمرہ سے مشورہ لیا جائے میرے خیال میں یہ بہتر رہے گا سردار محترم میری یہ رائے ہے کہ میر چاکر بہادر اور ذہین ہے اور وہ سرداری کا بارے گرہ اپنے مضبوط کاندھوں پر اٹھانے کا اہل ہے بیورا تمہاری کیا رائے ہے سردار میر چاکر نے اپنے شیرازی تلوار کی کاٹ اور اس کی ضرب سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ چٹانوں کو کاٹ کر قوم کے لیے صحیح راستہ بنا سکتا ہے بیر بچار میرا خیال ہے کہ میر چاکر خان قوم کی امیدوں کا مرکز ہے آپ انہیں اپنا جانشین مقرر کر کے پورے قوم کو تحفظ بخشیں نازمند ہم تمہاری رائے کا انتظار کر رہے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم میر چاکر خان جیسے قوم کے جری سپاہی کے ہم رکھ رہ کر اپنی منزل کو جا لیں گے میں میر چاکر خان کو بحیثیت سردار قبول کرتا ہوں قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگوں نے میر چاکر خان کو اپنا سردار قبول کر لیا جی میرا جی سردار میر چاکر خان کو دستار بندی کے لیے بلایا جائے
ये सरदार जलाल खान की तलवार है। अब तुम्हारे अजदाद की बहादुरी की दास्तान है, इसकी काट से जमाने में रोशनी की तरह फैली हुई है। इस कमान से निकला हुआ तीर कभी खता नहीं गया। पहले बल में शराफत, इंसाफ और रवायत की हुर्मत पोशीदा है। इसकी अजमत पूरी कौम की बेहतरी, फला और भाईसत मुस्तकबिल की तलाशी से गायब रह सकती है। इस दस्तार की अजमत अगर तुम्हारे दिल में मुंतकिल होती रही तो आइंदा आने वाली नस्लें अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहेगी। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था, मगर मुझे इस पर हैरत नहीं हुई। सरदार शेख अगर अशार कमाल को अपने एतमाद में ले लेते तो बेहतर था। शायद उसका ख्याल था कि गोहराम भी अपने बाप की तरह इस नाइंसाफी पर खामोश रहेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो क्या एहतजाज के लिए सरदार शेख के पास जाएंगे? हरगिज नहीं। मैं अपनी बका के लिए जिस मकाम पर खड़ा हूं वहां वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। हाफिज बाबा, बाबा सामने घोड़े हैं। हाँ हाँ मालूम। बाबा तुम्हें नजर आता नहीं, फिर कैसे मालूम? कभी मैं भी आंखों वाला था, कभी तो मैं भी सवार था। कहो तो बता दो कितने घोड़े हैं यहाँ? बड़ा खूबसूरत मसला है, कहाँ ले जा रहे हो? सरदार के लिए लाया हूँ, कब का बना रखा था इस दिन की खुशी में। तुम भी अजीब सोचते हो, कहाँ तुम कहाँ सरदार चाकर। मसनद सरदारी संभालने के इस वश मौका पर मोतियों भरा ये तश्त मीर हैप्तान की जानिब से सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर बिजार की जानिब से सोने चांदी भरा ये तश्त सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर जाड़ो जलम की जानिब से ये बेश बहा खंजर सरदार मीर चाकर खान की नजर। तो
तुम सब की मौजूदगी हमारे इत्तहाद की अलामत है। नौजवान, तुम्हारा बेटा गौराम नजर नहीं आ रहा, क्या उसने रिवायत से इनकार नहीं किया? सरदार, सुना है मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया। अगर ये दुरुस्त है और वो सरदारी का बोझ उठाने के काबिल है तो मैं उसके हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। नहीं मीर, नहीं, नहीं। खुदा खुदा वो दिन ना लाए। मीर, तुम में सरदारी की जिम्मेदारियां निभाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान करके हमारी सदियों पुरानी रवायात से इन्हराब किया है, उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सोचना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत कैसे हुई? जी सरदार, ये जबान दो भाइयों के दरमियान फितना भी बन सकती है। इस जबान को फितना बनने से पहले बाबा, बाबा मेहमान आ रहे हैं। घोड़ों की टाप से मालूम होता है चाकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम सरदार, वशात है। बैठे सरदार। बाबा, आप गंदावा नहीं गए? नहीं सरदार, अभी तो नहीं गए, बाकी तो सारे लोग जा चुके हैं। रेहान, मैं अपने सरदार के साथ जाऊंगा। गौराम तो चला गया हमें छोड़कर। हाँ सरदार, गौरव खान और गौर बीबी के चले जाने के बाद बड़ी वीरानी सी हो गई है यहाँ। मुझे मालूम हुआ था बाबा कि तुम मुझे मिलने आए थे, लेकिन मुझ तक रसाई ना हुई, इसलिए मैं खुद तुमसे मिलने आ गया हूँ। सरदार, कहाँ आप, कहाँ मैं तो सोच भी नहीं सकता था आप यहाँ आएंगे। सरदार, बड़ी चाह से बना है आपके लिए। खूबसूरत है। अच्छा बाबा, अब हम चलते हैं। और हाँ, आइंदा मैं मिलने तुमसे खुद आया करूंगा। तुम्हारी कदर जितनी मेरे दिल में है उसका सबूत आने वाला वक्त ही देगा। सरदार, दूध पीते जाए। Thank you.
रिवायात, इस तहजीब और इन कदरों का तुम्हारे पास क्या जवाब है जिनकी पासदारी, हिफाजत और एहतराम बनू इस्माइल से लेके मीर जलालान तक होता रहा है। रिवायात और कदरें हालात के हिसाब से बदलती रहती हैं बाबा। वक्त, माहौल और हालात इनमें तराश खराश पैदा करते रहते हैं। आपकी मौजूदगी में मेरी मौजूदगी में तुमने सरदारी का ऐलान कर दिया, हालांकि तुम्हें इसका कोई इख्तियार न था। इस रिवायत की इब्तदा भी चाकर ने की है। 40,000 अफराद की कुव्वत को चाकर के घमंड ने नजरअंदाज किया है। अफसोस, तुमने नफाक की जो लकीर खींची है उसे मिटाना आसान नहीं होगा। मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये लकीर भी चाकर ने खींची है। इस तफरीक का खमियाजा हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ेगा। और मीर चाकर खान, उसने तो तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली जबान को भरे दीवान में कटवा दिया था। वो भी मेरी जबान बंदी के लिए। बाबा, अब मैं ताकत की जबान में बात करना चाहता हूं। गोराम, उसने पैगाम भेजा है कि अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारी सरदारी कबूल कर लेगा। अगर उसने ऐसा किया भी है ना बाबा, तो दिल से नहीं, दिमाग से। तुमसे तो इतनी भी मसलहत नहीं हो सकी। दुश्मन के सामने पड़ाव डाल के बैठे हो और एक नई दुश्मनी का आगाज भी कर दिया है। मैंने नई जद्दोजहद का आगाज किया है बाबा। मुझे मालूम है दुश्मन मोर्चा बंद है और मुझे उस पर हमला करना है। हमला करने के लिए अगर मैं दो कदम आगे बढ़ सकता हूं तो जंगी हिकमत अमली के तहत चार कदम पीछे भी हट सकता हूं। फतह और शिकस्त तो दोनों साथ साथ हैं, मगर शिकस्त के खौफ से पीछे हट जाना अपने मकासद से पीछे हटने के बराबर है बाबा। सरदार, इतना मिलिए कि आखिर में गंदावा सुबह हमला कर देगा। आखिर में गंदावा? हां, वो मोर्चा बंद है। उसकी कोशिश होगी कि वो हमारा हमला पसपा कर दे और तरफ निकल जाए। लेकिन चौंगल, हम जिस हिकमत अमली पर चल चुके हैं, जो हमने सोचा है, बस उसी पर कायम रहना। बस जागते रहने की जरूरत है। हाँ, गोराम बेटा, अब भी वक्त है। सोच लो, फिर सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा। अब तो मौत या गंदावा। सोच लो। वक्त सोच के मरहलों से बहुत आगे निकल चुका है बाबा। अब तो मौत या गंदावा। महज अपनी जिद की वजह से तबाही के रास्ते पर चल रहे हो। शिकस्त
के खौफ में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती बाबा। हाँ, अलबत्ता फतह की उम्मीद में मौत को गले से लगाया जा सकता है। बाबा आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देख रहे हो कि दुश्मन दिफाई जंग लड़ रहा है। ऐसे में हमारा ज्यादा नुकसान होना कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं। और इस सूरत में हमारे हजारों शेर दिल लाशारियों की लाशें पड़े। बाबा, गोराम के हाथ लाशें उठाने के लिए नहीं, दुश्मनों की लाशें बखेरने के लिए बने हैं। मैं सोचता हूं कि इस नाजुक मौके पर हमें सरदार चाकर खान को इत्तला दे देनी चाहिए। ताना दे रहे हो बाबा? ओहो, गलत मत सोचो बाबा, गलत मत सोचो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी परेशानी की वजह से कह रहा हूं। वो तो मैं हूं बाबा, कई दिनों से दो महाजों पर खड़ा हूं, लेकिन शिकस्त के खौफ से टूट नहीं सकता। तुम सबको इतनी रात गए इसलिए तकलीफ दी है नंदे, कि मीर गोहराम ने अपने से कई ज्यादा फौज की मौजूदगी में गंधावा पर हमला कर दिया है और इत्तला मिली है कि हमारा भाई खासी मुश्किल में है। सरदार गुस्ताखी माफ, आपकी गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा है इस जंग के नतीजे से मायूस नजर आते हैं। जाहिर है लाशारियों की तादाद दुश्मन की फौज से बहुत कम है, कई जामबाज मौत की घाट उतर चुके हैं और मीर गोराम लम्हा ब लम्हा उखड़ता जा रहा है। मीर जाओ। सरदार, मीर गोराम ने कौम के दरमियान तफरके की जो दीवार खड़ी की है उसे अगर वो खुद ही गिरा दे तो अच्छा है। मीर हफ्ताम, तुम क्या कहते हो? सरदार, नफरतों की दीवारें बहरहाल गिरनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें गिराता कौन है ये अलग बात है। पसंद आई हमें तुम्हारी ये बात, नफरतों की दीवारें गिराने के लिए हमें पहल करनी चाहिए। सरदार, बलूच एक नाम है सूरज की तरह, जिसकी रोशनी एक तमाजत एक, हम सब उसकी रोशनी की तरह हैं। रोशनी के सफर में जो भी दीवार आयल हो उसे गिरा देना ही बेहतर है, क्योंकि कोई भी किरण सूरज के बगैर अपना वजूद नहीं रखती। ब्यूरो, तुमने बलोच कौम को सूरज से तशबीह देकर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि नफरतों की ये दीवारें हमें ही गिरानी चाहिए। मीर बजार, मीर हाल, फौज को फौरी कुछ का हुक्म दो। कल की जंग को नतायज के एतबार से नुकसानदेह समझता हूं, तुम्हारी हिकमत अमली क्या है? बाबा, जंग नफा नुकसान से बालातर अमल है।
दुश्मन का भी नुकसान हुआ है। मैंने जरा जल्दी शादाब इलाकों की तरफ कूच करने का हुक्म दे दिया था, लेकिन दो दिन बाद चाकर खान भी नशीब की तरफ आएगा। अगर ये मेरी गलती थी तो ये गलती यकीनन दोहराई जाएगी और मेरी नाकामी आने वाले के लिए इससे बड़ी नाकामी साबित होगी। सरदार, हमारी पुश्त की जानिब से आसमान तक उठता हुआ एक गुबार नजर आ रहा है, जो लम्हा बलम्हा बड़ी तेजी से हमारी जानिब बढ़ रहा है। इस सिमत से दुश्मन के लिए कुमा का नाम महाल है। बहुत मुश्किल है बाबा। सरदार। आ बोलो शाहान, क्या बात है? सरदार चाकर खान अपने लश्कर के साथ हमारी मदद के लिए आ पहुंचा। पर ये कोई ऐसी ताज्जुब खेज बात नहीं। देखा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि सरदार चाकर खान की सोच और तुम्हारी सोच कितनी मुख्तलिफ है। मैं आपसे यही गुफ्तगू कर रहा था बाबा कि मैं और चाकर दो मुख्तलिफ सिमतों के राही तो हैं, मगर हमारा दुश्मन मुश्तरक है। अब कौम को परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरे आने पर तुम्हें कोई ज्यादा ताज्जुब नहीं हुआ होगा गौराम? जंग का तबल बजा दिया जाए। सरदार, गंदावा की आज की यह फतह आपकी वजह से हुई है। हम सब आपके ममनून हैं। आज की फतह मीर गौराम और मेरे साथियों के लिए एक दिलचस्प तजर्बा है। इन मफ्तूआ इलाकों पर हमारे साथ साथ तुम्हारा और तुम्हारे उमरा का बराबर का हिस्सा। नहीं नौजवान, नहीं, गंदावा पर हुकूमत मीर गौराम का हक है, लेकिन आप। मेरा इरादा सफर जारी रखने का है और अब मैं सिवी फतह करना चाहता हूं। मैं भी इस मुहिम पर आपके साथ जाना चाहता हूं। तुम्हारा साथ भाइयों का साथ है, ये साथ बाइस इफ्तिखार है। लेकिन मत भूलो, पूरी कौम को एक मंजिल और मकाम की जरूरत है और कौम से मेरा यही अहद है। एक खाना बदोश के हाथों गंदावा की फतह नहायत काबिल शर्म शिकस्त है और अब बलोचों की जलगार को रोकना आसान ना होगा, चूंकि इस इलाके में बलोच पहले ही से आबाद है, लिहाजा वो हमारे खिलाफ अपने लोगों की हर मुमकिन मदद करेंगे। गंदावा हाथ से निकल जाने के बाद जरूरी हो गया है कि उन्हें सिवी तक पहुंचने की मोहलत ना दी जाए। अलीजा, आपकी तरफ से कुमक के बगैर सिवी और एतराफ का दफा मुश्किल होगा। मुबारक खान, जब हाकिम अमूर ममलकत में दिलचस्पी लेना छोड़ दे, ऐशो आराम की आदि हो जाए, बद्यांती उनका सेवा बन जाए और हवसे जर उनकी गर्दनों को झुका दे, तो फिर इतनी दूर बैठकर थर के 200 कोस उस पार से हम तुम्हारी हिफाजत की जमानत किस तरह बन सकते हैं? बहरहाल हमारी वापसी का बंदोबस्त किया जाए ताकि हम तुम्हारे लिए कुमक रवाना कर सके। रामायण बेटा, चाकर के साथ सेवी कूच करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है ना? तुम्हें पता है मैं बदला चुकाने में देर करने का आदि नहीं हूं। सिपा कूच के अकाम की मुंतजर है बाबा। आपके हुक्म के साथ ही लश्कर आपकी क्यादत में आपके साथ होगा। सरदार,
गौर जतनी की तरफ से कुछ लोग मिलने की इजाजत चाहते हैं। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दो। सरदार, अल्लाह की अमान और आपकी सर की सलामती की दुआ के साथ गौर बीबी आपका शुक्रगुजार है। मुहिर के इलाके की बख्शिश आपका एहसान और रियाय परवरी है। गौर बीबी की तरफ से नजर की कबूलियत के लिए इल्तिमास है। मैं सेवी से वापसी पर जल्द ही गौहर से मिलूंगा, मेरी तरफ से गौहर को बता देना। सरदार गौहरान, ये आपकी इज्जत अफजाई है, वरना मुझे भी बारजाबी का हुक्म दिया जा सकता था। गौहर खूबसूरती और सदी की अलामत है। तुम्हारा वजूद और शायद तुम्हारा दिल दोनों तुम्हारे नाम के तर्जमान हैं। बेवगी वक्त का दिया हुआ एक जख्म है जो भरा भी जा सकता है। मैं आपका मतलब नहीं समझी सरदार। देखो गौहर, तुम्हें तहफ्फुज की जरूरत है, इसलिए कि तुम्हारी तन्हाई का यही तकाजा है। जिंदगी ने तुम्हें वो मकाम दिया है जहां ताकत और तहफ्फुज के बगैर इसके तकाजे पूरे नहीं हो सकते। क्या मां, बहन और बेटी का रूप जिंदा रहने के लिए काफी नहीं? मां, बहन और बेटी, तुम्हारे इन बयान करदा रिश्तों का सफर वक्त के तकाजों के ताबे है, इसीलिए तो औरत का एक और रूप भी है, बीवी का रूप। वो तो मैं थी। मगर अब नहीं हो। सावल, सावल। जी जी बेबी। कोच का फौरन इंतजाम करो, रात के अंधेरे से पहले एक लम्हा जाया किए बगैर मुझे निकलना है। बेबी, इस वक्त किसके पास जाएंगे? इस वक्त मैं जानती हूँ, इस वक्त मुझे कौन तहफ्फुज़ दे सकता है? हम लोग ने गौर को इसलिए नहीं रोका, एक तो वो औरत थी, दूसरा हमारे लिए उसकी तरफ से आपका हवाला मोतबर था, वरना हम। तुमने जो कुछ किया ठीक किया, मुझे फिक्र है तो इस बात की कि गौहर रात के अंधेरे में पुरखत रास्तों में तन्हा गई है। शाहन। जी सरदार। तुम फौरी तौर पर एक दस्ता लेकर सरहदों की तरफ जाओ और देखो अगर गौहर हमारी सरहद में है तो उसे लेकर उसकी मंजिल तक हिफाजत से पहुंचा दो। मगर सरदार, वो औरत चाकर के पास जाकर आपके खिलाफ जहर भी उगल सकती है। वो यह भी कह सकती है कि गौराम के इलाके में ना तो अमन है और ना ही एहतराम, ऐसी सूरत में उसे छोड़ देना। शाहान, मैं जो कह रहा हूं वही करो। वो कहां जाती है, क्या कहती है,
ये उसका अमल है, हमें यही सोचना है कि हमने क्या करना है। और हाँ, ये भी ख्याल रहे कि गौहर न सिर्फ हमारी पनाह में थी बल्कि वो एक मुअज्ज़ज़ औरत है और उसकी ये दोनों हैसियतें हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरे अजीजो, कामयाबी बाज़ औकात अंजाम के मायने रखती है, फतह और शिकस्त दोनों जिंदा रहने के नाम हैं और यही हमारी कबायली रिवायात की जान है। मुझे इससे गर्ज नहीं कि तारीख मुझे किस नाम से याद रखती है। हिंद सिंध के लोग मुझे एक रिवायत परस्त या जाबिर हुक्मरान कहते हैं या बलोचों की आने वाली नस्लों के शानदार मुस्तकबिल का आलम बरदार। मसला ये नहीं कि चाकर खान सरदार है, मसला ये है कि दुनिया की तारीख में बलोचों को इज्जत और मकाम से कौन सरफराज कर सकता है। सरदार, मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। पीर मुर्शिद गुलाम है हम आले नबी के, पर हां, आज सेवी के दरबार का पहला दिन है और यह दिन मैं अपनी रिवायात के मुताबिक अकवाल से शुरू करना चाहता हूं और सबसे पहले खुद कौल देता हूं कि आज के बाद अगर किसी ने मेरे पीर और मुर्शिद शेख कटी की नाराजगी मोल ली तो वो मेरे नजदीक इंसान नहीं हैवान होगा और बड़े से बड़े मुंहजोर और शहजोर हैवानों को नकेल डालना चाकर खान बखूबी जानता है। और याद रहे कि चाकर खान किस नकेल से उसका चाहे कोई कितना ही करीबी अजीज क्यों ना हो बच नहीं सकता। हम फकीर लोग एक ही सीधा रास्ता चलते हैं। मेरा यह कौल है कि जो शख्स भी इस राह में रुकावट डालेगा या सामने आएगा, मैं उसकी जिंदगी की जमानत नहीं दे सकूंगा। सरदार, इस चीज से तो आप बखूबी वाकिफ हैं कि मुझे अपनी घोड़ी कितनी अजीज है। जो भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरी घोड़ी ले गया मैं उसे कत्ल कर दूंगा। घर से घोड़ी जाने पर न सिर्फ मैं उस शख्स को बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दूंगा। ये मेरा कौल है। उमर नहानी, हमें यकीन है कि तुम अपने अहद को अपनी घोड़ी से ज्यादा अजीज रखोगे। मैं शेह मुरीद भरे दरबार में कॉल देता हूं कि जुमरात की सुबह साहिल मुझसे जो कुछ तलब करेगा इनकार नहीं करूंगा। सरदार, दोस्ती की क्या कीमत होती है? यह आप जैसे फहमीदे शख्स को बताना या जताना कोई मानी नहीं रखता। मैंने और मीर जाड़ों ने एक दूसरे को यह कौल दे रखा है। मैं एक दफा फिर इस बड़े दीवान में अपने उस कौल की तजदीद करना चाहता हूं कि अगर कोई शख्स मीर जाड़ों को कत्ल करेगा तो उसका बदला मैं लूंगा और अगर कोई शख्स मीर हृदय को कत्ल करेगा तो उसका बदला जाड़ो जलम लेगा। मैं मीर हैबतान भरे दीवान में कौल देता हूं कि भागा हुआ कोई भी ऊंट जो मेरे गले में शामिल होगा उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी। वो ऊंट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। मीर हैबतान, तुम्हारी जुर्रत काबिल तहसीन है। सरदार,
ख्वाब और खामोशी जिंदा लोगों को सोच देते हैं। मैं अमीर रियान इस बड़े दरबार में कॉल देता हूं कि जो भी शख्स मुझे नींद से जगाएगा मैं उसे कत्ल कर दूंगा, मां सिवाय चाकर के। सरदार, पगड़ी भी बलोच की इज्जत होती है और दाढ़ी भी। मेरी दाढ़ी की तरफ जो भी शख्स हाथ बढ़ाएगा, ख्वाह वो कोई भी हो, मैं उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। दीवान में आज तक कोई मर्द नंगे सर दाखिल नहीं हो सका। तुम तो औरत हो, क्या मजबूरी हुई? सरदार, मैं अपने वजूद के अजाब में हूं। सर से साया उठ जाने के बाद मैं किसी भी तजर्बे को दोहराने से खौफजदा हूं। किसी भी नए रास्ते पे बस बस, तुम्हारी बात समझ गया हूं मैं। बना दी जाती है तुम्हें, आज से तुम बाहोट हो मेरी। बाहोट के मायने चाकर खान बखूबी समझता है। तुम्हें कचरों का इलाका बख्शा। बेशक बाला शाज भी हस्ब मौका है, हमें खुशी हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिया बाला निंदे सरदार चेहरे शोना बरो है बाबा। हाँ जी बात है। हाँ मैं मुरीद, तुम खामोश बैठे बस रस्सी बढ़ते रहते हो, क्या करोगे इतनी रस्सियों का? खुद को बांधता रहता हूं ताकि कभी तुमसे आजाद ना हो सकूं। कभी कभी तुम्हारी चुप मुझे खौफजदा कर देती। मुरीद, तुम्हारी मौजूदगी का एहसास मेरी हिम्मत बंधाता रहता है। जब रूह खुद अपना वजूद तराश ले तो कहने को कुछ बाकी नहीं रहता। कहाँ? कहीं नहीं, बस तुम्हारे ख्यालों में, जहां जिंदा रहना आसान है, बहुत आसान।
दौड़ जीत गया है। आपको मुगालता हुआ है, दोनों सवार बराबर आए हैं, किसी एक के बारे में फैसला गलत है। बजायर दोनों सवार बराबर दिखाई देते थे, लेकिन रेहान की घोड़ी आगे निकल रही थी। इसका अंदाजा तजर्बे ही से किया जा सकता है। तजर्बा? मैं भी तजर्बे ही से बात कर रहा हूँ। दोनों घोड़ियाँ बराबर थीं। बहरहाल फैसला हम रेहान के हक में देते हैं। मीर बालाज, इनसे बहस करना बेकार है। इस वक्त ये दो हैं और तुम एक। आओ चलो। चाकर का अजीज है, ये इलाका भी उनका अपना है, इसलिए ये नाइंसाफी तो होना ही थी। खेलों में इस किस्म के फैसले बहुत खतरनाक नतीज पैदा कर सकते हैं, और फिर वैसे भी अगर दौड़ वाजे ना हो तो मुनसिफिन को बहुत एहतियात से फैसला करना चाहिए। मुनसिफ तो मैं भी था, लेकिन मेरे फैसले को उन्होंने कितनी लापरवाही से रद्द किया। दरअसल वो गलत तरीके से अपनी धाक बिठाना चाहते। तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कचरों के इलाके में? हाँ गालिबन, कचरों भी उनकी बालादस्ती हासिल करने का एक निशान है। मीरबालाज, मैं तुम्हारी इस बात का मतलब नहीं समझा। सरदार चाकर खान ने यह इलाका गौहर को जागीर के तौर पे दिया हुआ है। शुतुर बच्चे मारे गए। कैसे? कौन लोग थे वो? रामायण और उसके साथी अचानक जानवरों पर टूट पड़े। आखिर मुझ बेवा से किसी को क्या दुश्मनी है? आखिर ये लोग मेरी बेकसी को तमाशा क्यों बना रहे हैं? शायद वो ये भूल गए कि हम सरदार चाकर के बावट है, उसकी पनाह में है। मैं सरदार चाकर के दरबार में इस जुर्म की फरियाद लेकर जाऊंगा। खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक बात भी ना निकले, इससे बड़ा फसाद फैल सकता है। और मैं ये नहीं चाहती कि कुछ शूतर बच्चों की खातिर इंसानों में खून खराबा हो और बेगुनाह लोग मारे जाएं। मैं ये दुख तनहा उठा लूंगी। अफसोस अफसोस, ये सालमाना हरकत बड़े दुख की बात है। तुम जाओ, जाकर अपना दवा दारू करो, लेकिन याद रहे तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज भी ना निकलने पाए। मैं जानती हूं लोचों की क्या रवायात है, खासकर बहुत के बारे में। मुरीद,
मुरीद, कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम किसी और ही दुनिया में रहते हो। वो कोई सी भी दुनिया हो लेकिन है वो तुम्हारी दुनिया, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। खुदा जाने कैसी बातें करते हो, घर पे तुम बैठते नहीं, मैं चिलचिलाती धूप में घंटों तुम्हारे आने की राह देखती हूं, और तुम तो अपने खाने का भी ख्याल नहीं रखते। पता नहीं ये तुम औरतों को अपने चाहने वालों से ज्यादा उनके खाने पीने की फिक्र क्यों रहती है। इसलिए कि रिवाज ने हमें अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ यही एक जरिया दे रखा है, और मैंने तुम्हें अपने रूह पर भी इख्तियार दे रखा है, रूह जो वक्त की पहुंच से बाहर है। सरदार, यहां से कचरों का इलाका शुरू होता है। इस साल अच्छी बारिशों के बायस घास बहुत ज्यादा है, और यहाँ अमलदारी है हमारी बाहोट गौहर की। इस पहाड़ी के उस पार गौर बीबी के खाने इधर से गुजर ही रहे हैं, तो क्यों ना उसकी खैरियत भी पूछते चले। बैराग तुम्हारी ऊंचनियों के थनों से दर्द से बिलबिला रही है, वो कहां गए शूद्र बच्चे, कहां गए? तुम्हारे जानवरों की आंखें खौफ से फटी जा रही हैं। कहां सरदार, जानवर भी इंसानों की तरह मोहब्बत करते हैं और दुख सहते हैं। कुछ अरसे से यहां भी जहरीली घास हो गई है, उससे कुछ शूद्र बच्चों को नुकसान हुआ। चप्पे से वाकिफ हूं मैं इस जमीन के, दिखाओ मुझे वो घास जिसने हमारी पनाह में आए हुए जानवरों और इंसानों को दुख दिया है, दिखाओ मुझे। तुम क्यों कांप रहे हो, किस बात ने लर्जा तारी कर दिया है तुम पे, बताओ बताओ ये सब कैसे हुआ, कैसे हुआ ये सब? कहां गए शूद्र बच्चे, कहां गए शूद्र बच्चे? सरदार, श्रावण और उसके साथियों ने शूद्र बच्चों को बेदर्दी से मार दिया। बस अब कष्ट है मुझे। सरदार, हम सब तवील और दुश्वार सफर के साथी हैं, वक्त की शक्तियों के हांके में सबने एक दूसरे का दिल बांधा है। इस तरह कुछ शूद्र बच्चों की खातिर कतनों खरब का दर खुल जाएगा। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, गुजर से काम ले, मुझे जिंदगी और मौत दोनों ने मिलकर मारा है। खुदा के लिए ऐसी कोई कसम ना खाई सरदार, ऐसी कोई कसम ना खाई। ये वो इज्जत है जो मैंने तुम्हें दी, इसे इस तरह ना लौटाओ, इसका तकद्दस हमारे खून में रची बसी रिवायत है, और इस मौके पर खून बहाने से नाराफ अपने खून से नाराफ है। लिहाजा अब कसम है मुझे अपने इस मांग वाले सर की, जिस पर मैं सरदारी की पगड़ी बांधता हूं,
के जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। मैं आपके सामने की पगड़ी बांधता हूं कि जुल्म का हिसाब जरूर लिया जाएगा। क्या हुआ बाबा? सरदार चाकर खान के आदमियों का हमला अचानक था, वो सब माल मवेशी हार कर ले गए। मगर ये सब हुआ कैसे? सरदार इसकी इब्तिदा आपके बेटे और उनके साथियों ने की। ठीक है, तुम लोग जाओ। ये सब कुछ इसलिए हुआ बाबा कि सेवी मेले में घोड़ दौड़ के मौके पर मेरे साथ नाइंसाफी की गई, और मेले में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक पुरानी रवायत है बाबा, और चारों तरफ से आए हुए कबाइल का मुश्तरका इज्तिमा। अगर ऐसा हुआ भी तो एक बेवा के माल मवेशियों के कत्ले आम का जवाब तो नहीं बनता। और फिर तुम जानते हो कि गौहर चाकर की बाहोट है, उसकी पनाह में है, और बाहोट की रिवायत से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। सरदार चाकर और उसकी उम्रा अक्सर ऐसे मौकों पर अपनी बालादस्ती कायम करने की कोशिश करते हैं बाबा। मेरा यह रद्द अमल उनकी बालादस्ती की गलत कोशिश के खिलाफ था। ताकत अंधे अमल का नाम नहीं। एक तो तुमने ताकत का गलत इस्तेमाल किया है, और दूसरे तुम अपने बाप के नजरियात को समझने में नाकाम रहे हो। अव्वल तो तुम्हें गौहर के बारे में सोचने का कोई हक नहीं, और अगर तुम अपनी नासमझी की वजह से किसी ओछे नतीजे पर पहुंचे हो तो मेरी जिंदगी में मेरे जाती मामलात में दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं। बाबा ये सब उनकी बालादस्ती कायम करने की कोशिश का नतीजा है। चाकर खान ने जो किया या करेगा तुम्हारी इस हरकत के बाद उसे इसका हक बनता था। मैं उसकी जगह होता तो इससे भी ज्यादा कर गुजरता। अब तुम्हारी इस हरकत के बाद मेरे पास कोई चारा नहीं कि मैं उसके पास जाऊं। इंसानों से अपनी पहचान कराना तुम्हारा हक है, लेकिन खुद उनकी पहचान ना करना या उनके हक में मुदाखलत करना यह जहालत है। तुम्हारे वालिद के बारे में सुना था कि वो नाल मक्खी की पर की तरह बारीक बनाते थे और उनकी चमक शीशे की तरह होती थी। मैंने भी तो अपने वाले से सीखा है, और फिर जब भी तुम्हारे घोड़े के नाल बनाए तुम्हें कोई शिकायत तो नहीं हुई। इसीलिए तो मैं खास तौर पर तुम्हारी तरफ आता हूँ। बस जरा बलाज की तलवार का काम खत्म कर लूं, उसके बाद बस। नहीं, पहले मेरा काम कर दो, मुझे बहुत जल्दी है। क्यों बलाज? हाँ, इनका काम कर दो, इनका हर काम जल्दी का होता है। अच्छा, मेरी बात बुरी लगी क्या? मुझे लगता है तुम कोई बहुत बड़ी बात दिल में छुपाए बैठे हो। कह दो, बहुत हल्का हो जाएगा। मुझे ये सुन के इंतहाई दुख हुआ है कि तुमने भरे दीवान में चाकर को गोराम की मदद की बजाय उसे झुकाने और मुर्द इल्जाम ठहराने का मशवरा दिया, जिसकी उम्मीद तुम जैसे जहीन और बहादुर अमीर से नहीं की जा सकती थी। मैंने जो भी मशवरा दिया था मेरे ख्याल में दुरुस्त था, और अमीर कोहराम और आप लोग भी तो कुवत को रवायात पे तरजीह देते आ रहे हो। एक बात याद रखो, कुवत मशरूत नहीं होती। चलो, होती है। चाकर एक कुवत का नाम है जिसे मुख्तलिफ कबाइल के इत्तेहाद ने सरदारी का एजाज बख्शा है। बालाज,
अपनी हद में रहकर बात करो। ना, ना। सच्चाई को तहम्मुल से सुनना और बर्दाश्त करना यह भी बहादुरी है। हौसले से सुनो। चाकर और गौराम तराजू के उन दो पलड़ों की तरह हैं जिनमें बराबर के औजार नहीं। देखने वालों के लिए भारी पलड़े का तायुन इसलिए मुश्किल है कि किसी एक का झुकाव मुस्तकिल नहीं। आज तुम निरहान हद्दे बिज्जा हेप्ता ब्यूरख उमर नौहानी और शैमुरी चाकर के पलड़े में हो, इसलिए चाकर भारी है। कल तुम में से कोई भी हमारी तरफ आ गया तो गौराम भारी होगा। सिर्फ चंद हजार की तो बात है। जाड़ो जहानत और जबान का इस्तेमाल किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। क्या समझे? ए दो जी वाला। मेरी तलवार शाम तक बना देना, मैं किसी को भिजवा दूंगा। क्या बात है? हमारा ऊंट तुम्हारे गले में आ गया है। खबरदार, ऊंट को गले से निकालने की कोशिश न करना। अब इतनी ज्यादती भी ना करो, ये चरवाहों का दस्तूर नहीं है। ये मीर हेप्तां का गला है। उसने मुझे सख्ती से मना किया है कि मेरे गले में जो भी ऊंट आ जाए उसे वापस नहीं करना। अगर ये मीर हेप्तां का गला है तो ये ऊंट सरदार चाकर खान का है। किसी का भी हो, मुझे मीर हेप्तां का हुक्म है। इस बात पर झगड़ रहे हो? इसका ऊंट हमारे गले के वापस मांग रहा है। ये ऊंट सरदार चाकर खान का है। तुम उनको बता देना कि ऊंट हेप्तां के गले में दाखिल हो गया है और हेप्तां ने सरदार चाकर खान के दीवान में कौल दिया था कि भागा हुआ कोई भी ऊंट जो मेरे गले में शामिल होगा उसकी वापसी किसी सूरत नहीं होगी। वो ऊंट सरदार चाकर का ही क्यों ना हो। यह दुरुस्त है कि मीर हेप्तां हमारा बाजू है, लेकिन यह कबायली रिवायत का मसला है जिसकी खबर दूर दूर तक फैल सकती है। कबायली रिवायत से बढ़कर अब यह इमारात के नाम का मामला है। दरगुजर से आम लोग कमजोरी का मतलब भी निकाल सकते हैं। हसन मौलाना, कौन नहीं जानता कि मीर हेप्तां चाकर खान की उमरा में शामिल है और कौन है जो नावाकिफ हो मीर हेप्तां के कौल से? वो हमारा बागी नहीं, इस बात को भी हर शख्स अच्छी तरह से जानता है। ठीक है कि हमने एक ऊंट हारा है, लेकिन मीर हेप्तां ने अपना कौल जीत लिया है। बेरुख, मेरे नजदीक फिल वक्त इस वाकये की इससे ज्यादा अहमियत नहीं। जाड़ों को कमजोर मत समझो मुराद। ताकत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करना ये मेरी मंतक के खिलाफ है। जो शख्स गुर से मर सकता है उसे सहर देने से क्या फायदा? मैं समझा नहीं मुराद। मजबूत चट्टान को गिराने के लिए पहले उसकी बुनियाद को खोखला किया जाता है। मुझे जाड़ों के घर का भेदी चाहिए। तुम इतना न रखो, जाड़ों के मुलाजिम करू का काम फंसा हुआ है। हाँ। जिसके लिए वो मजबूर है, और अगर फिर उसे लालच दिया जाए तो हमारे कहने के मुताबिक ही काम करेगा। मैं उसे तुम्हारे पास ले आऊंगा। बहरहाल सरदार, मैं आपकी इज्जत अफजाई फरामोश नहीं कर सकता।
इतने बड़े वाकये का तखलीये में तस्फिया हो जाना खुशकिस्मती है। गौराम, मैंने सरदार शेख की सौंपी हुई जिम्मेदारियों का बोझ हमेशा अपने कंधों पर महसूस किया है। हालात अगर साजगार रहे तो कौम में टूट फूट के अमल को रोकने की मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और यही महवर है मेरी सोच का। रिवायत, हमारी रिवायत ही हमारा कानून है सरदार। जब तक हम इसके साये तले परवान चढ़ते रहेंगे, हमारी कौम रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ती रहेगी। शायद तवील वक्त गुजरने के बाद ऐसा हो सकता हो कि छोटे छोटे वाकयात भी तारीख बन जाते हैं, मगर हाल से तो सब वाकिफ हैं। सरदार, मैं आपकी इजाजत से गौहर के पास भी जाऊंगा। वो एक बेवा औरत है और उसके नुकसान की तलाफी होना जरूरी है। बेखौफ जिंदगी गुजारना उसका हक है, हालांकि उमूमन खौफ वहमों की वजह से होते। ये इम्कानात की दुनिया है गौराम, पर्दा गैब में तो बहुत कुछ पिनहा है, इसीलिए जिंदगी में खौफ फूटता रहता है। इंसान जिस मकाम पर खड़ा हो और अपने मर्तबे को पहचानता हो, यही उसके लिए गनीमत है। ऐसी कोई बात नहीं है गौहर, रामायण की वजह से तुम्हें जो दुख पहुंचा है। बैठे सरदार। नहीं, मैं बहुत जल्दी में हूं, इतनी जल्दी में कि तुम्हारी बात भी नहीं मान सकता। मगर एक बात याद रखना गौहर, हम औरत की बहुत इज्जत करते हैं और तुम्हारे खौफ तुम्हारे अपने वहमों का नतीजा है। तुम्हारे नुकसान की तलाफी कर दी जाएगी। खुदा हाफिज। एहसानों के बोझ ने मुझे चुका तो दिया है, लेकिन मैं ये बोझ जरूर उतारूंगी। आप सरदार गौराम की बात कर रही हैं या सरदार चाकर की? दोनों की। तुम दुआ करना किसी की जिंदगी को। जी अब शेह मुरीद और रानी उम्र के उस मुकाम तक आ पहुंचे हैं जहां पर वालदेन को उनके बारे में देखे हुए ख्वाबों की ताबीर में कुछ जल्दी हो जाती है। मैंने इस बारे में कभी आपसे मुख्तलिफ तो नहीं सोचा। अल्लाह हमारी सोचों और अमल को नेकी से वाबस्ता रखे। हमने दुनिया इन्हीं दो बच्चों के रूप में कमाई है और सैदों के इस खानदान की बका इन्हीं से वाबस्ता है। इस दुनिया में रहते हुए दुनियादारी की सोचों से आजाद रहना मुश्किल है। मैं खुद इस कर्ज से सबकदोश होना चाहता हूँ। दोनों एक ही दस्तरखान पर बड़े हुए हैं, एक दूसरे को समझते हैं, और फिर मेरी और तुम्हारी सोच भी एक है, क्यों ना दोनों की मंगनी कर दी जाए। ठीक है, मुझे से क्या इख्तलाफ हो सकता है। रामेन आपका बग ले गया सरदार। घोड़सवारों का एक दस्ता आंधी की तरह आया और ऊंटों को घेर कर ले गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह वाकया कैसे हुआ और क्यों कर हुआ।
अब इस कदर खुली दुश्मनी के बाद बात वाजे हो गई है कि गौराम को अपने बेटे पर कोई इख्तियार नहीं रहा। अभी हमें अपने इस्तेहकाम के लिए बहुत कुछ करना है सरदार। कम से कम गौराम की खामोशी इस साजिश में जरूर शामिल है। जो तुम कह रहे हो वो मैं भी समझता हूं, लेकिन याद रखो मरनानी, गौराम सब कुछ हो सकता है लेकिन मुनाफिक नहीं। सरदार, मीर अब्तान और मीर बीवर ने हमारे हूं रामेन से वापस छीन लिए और मीर अब्तान ने गले में शामिल आपका वो ऊंट भी वापस कर दिया जो उन्होंने अपना कौल निभाने के लिए अपने पास रखा था। मैं मीर हेप्तान और ब्योरख की बहादुरी से खुश हूं। सनी और शौरां का इलाका मीर हेप्तान को इनाम में दिया जाता है। मैं तुम्हारे रवैये से मुस्तरिब हूं रामायण। अगर तुम ये चाहते हो कि रिंद और लाशार एक दूसरे के सामने आ खड़े हों तो ये बड़े दुख की बात है। बराबरी की सतह पर जिंदगी गुजारने के लिए बंदे को अकलमंद होना चाहिए, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है बाबा। हेप्तान और ब्योरख के हाथों हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके हैं और अब फैसला कबायली रिवाज के मुताबिक होना चाहिए ना। तो दूसरों के ऊंट जब हांक कर लाओगे तो तुम्हें नतायज के लिए भी आगाह रहना चाहिए। सरदार, ऊंट लाने का मसला तो हमारे और चाकर खान के दरमियान था। ऊंट तो वापस भी किए जा सकते थे, इस पर कबायली जुर्माना भी हो सकता था। हेप्तान और ब्योरख को कच्ची में बैठकर फरीक बनने का कोई हक नहीं था, जबकि रामायण और उसके साथियों से कोई कत्ल नहीं हुआ बल्कि हमारे बेशुमार आदमी मारे जा चुके। बगैर ऐलान जंग के ऐसी सूरत हाल पैदा कर देने के जिम्मेदार हेप्तान और ब्योरख हैं। बदकिस्मती से हम ऐसे मकाम पर आ गए हैं कि बदला लिए बगैर तमाम कबीला मुंतशर हो जाएगा और रिवाज के पैरवी के बगैर अब हमारे पास कोई चारा नहीं। अब और क्या किया जा सकता है सरदार? अब हम खुली दुश्मनी की जद में आ चुके हैं। याग अब रिवायती मसालियत ही से सद की जा सकती है, वरना यह शिद्दत से भड़क उठेगी, वापसी का दरवाजा दोनों के लिए बंद हो चुका है। हाँ तो ठीक है, अब कुछ भी हो बहरहाल चाकर को फैसले के लिए मेरे पास आना हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। सैदल, हाल दो। अल्लाह की अमान, हालात कुछ ठीक नहीं लगते। खैर तो है? मीर गौराम खान के काफी आदमी मारे जा चुके हैं और कुछ नुकसान सरदार चाकर खान का भी हुआ है। तस्फिये की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लगता है कोई बड़ी तबाही आने वाली है। बाबा, लोग पड़ाव खाली कर रहे हैं, तुम सुनाओ। अल्लाह खैर करे। सुना है जब किसी इलाके पे कहर खुदाबंदी नाजिल होता है तो परिंदे भी घोंसले छोड़ देते। बाबा पन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेहरबानी। गौर, ये तमाम वाकियात तुम्हारे सामने हैं। मैं खैर लेकर तुम्हारे पास आया हूं। ग्वाराम भी तुम्हारे पास आ चुका है, इसलिए उसे तुम्हारा लिहाज बाहर सूरत करना है, फिर तुम औरत हो, तुम्हें वो रवाज के मुताबिक खाली हाथ नहीं लौटाएगा। बाबा, ये दो सरदारों का मामला है और आप तो मेरी हैसियत से वाकिफ हैं। मैं जानता हूं हमें ये सब कुछ नेकी समझकर करना है, अमन के लिए, खुदा के बंदों की बेहतरी के लिए। हां, ग्वाराम ये कह रहा था कि चाकर खान को उसके पास आना चाहिए,
सरदार चाकर इन हालात में ये सब कुछ नहीं करेगा। बाबा अगर कुछ तो खून मेरे जाने से रुक सकता है तो मैं तैयार हूं। अगर कोई अताप सरदार चाकर की तरफ से हुआ तो मैं उसे सह लूंगी। तो फिर बेटी जल्दी करो, इससे पहले कि शर की ताकतें तमाम दरवाजे बंद कर दें, हमें खैर की इब्तिदा करनी चाहिए। वाकयात आपके सामने हैं, बात तफसीलात की नहीं, बात हमारे आदमियों के खून बहा की है, जिससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। और इतनी बड़ी हकीकत के सामने तफसीलात बेमानी होकर रह जाती। सरदार मैं सिर्फ खैर के जज्बे से आई हूं, अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई भी रंजिश हो मैं उसे भी दूर करने के लिए तैयार हूं। नहीं नहीं, मुझे तुमसे कोई रंजिश नहीं है। मेरा जो तुमसे शादी के बारे में सवाल था वो सिर्फ तुम्हारी तन्हाई और बेवगी के हवाले से था। तुम एक औरत हो और मैं तुम्हारी पहले भी इज्जत करता था, अब भी। मुझे तुम्हारे एहसास का लिहाज न होता तो मैं तुम्हारे पास क्यों आता। मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे पास आया था कि रामायण की गलती थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उसमें शामिल कर लो। मैंने अपने सवाल के हक का इजहार किया था और तुम्हें जवाब के लिए आजाद समझा था। सरदार हम आपके पास सिर्फ खैर की उम्मीद लेकर आए, जो हुआ वो हम सबको तबाह करने वाला अमल है। सरदार जब जंग की वजह से लोगों का जुनून बढ़ रहा हो तो उन्हें सलामती की तरफ लाना हर एक का फर्ज है। तुम दोनों के लिए मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि चाकर खान सिर्फ तस्फिये के लिए मुझसे मिल ले। बाबा आपके यहां अगर चाकर खान फैसले के लिए आना चाहे तो मैं बातचीत करने पर तैयार हूं। बाबा कहाँ? बाबा तो किसी काम से सेवी गए हैं। सेवी से तो मैं आ रहा हूँ, मैंने रास्ते में नहीं देखा। आप खड़े क्यों हैं? आए बैठे। बाबा अगर यहाँ होते तो जरूर बैठता, लेकिन अब नहीं। क्यों? तुम इस वक्त यहाँ अकेली हो, मेरा बैठना मुनासिब नहीं और यही हमारी रवायत है। लेकिन ये भी तो हमारी रवायत है कि घर आया मेहमान कुछ खाए पिए बगैर वापस जाए। मैं बाबा के लिए सरदार चाकर का पैगाम लाया हूँ, तुम उसे बता देना कि सरदार चाकर खैर के लिए आपके यहाँ मीर गोराम से मिलने के लिए तैयार है। ठीक है, मैं बता दूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ, शायद बहुत जल्द तुम्हारे बाबा से कुछ मांगने के लिए दोबारा आ जाऊं। दुलरख की शायरी हमेशा हमारी खुशियों में फूल चुनती रही है और कभी हमारे दुश्मनों के सामने हमारे हौसलों को बुलंद करती रही है। सेवी आकर शेमरीद की शायरी के आहंग से हमारे कान आशना हुए हैं। क्या ही अच्छा हो आज शेमरीद का कलाम सुना जाए।
मारा पारे दस्ते गिरा के मारो दस्ते चाबुका मानी मानी राधी गुरु मत्ता नहीं बुरा जमी गुस्सा मेरी देख गुजा हानी सारा कहा। इतने खूबसूरत हाथ सिर्फ हानी के ही हो सकते हैं। मेरे अशार के तमाम पैकर इन्हीं खूबसूरत हाथों की तराशे हुए। तुम्हारे अल्फाज सच्चे मोतियों की तरह शफाफ और धनी की तरह रंगीन होते हैं। कहां से लाते हो ये हुस्न? मैं तो कुछ भी नहीं करता हानी, बस जैसा देखता हूँ जैसा महसूस करता हूँ। बयान कर दे, तुम्हारा हुस्न भी एक सच है और मेरा फन उसकी तशरीह। मेरी शायरी तो कुछ भी नहीं, अगर कुछ है तो तुम्हारा हुस्न या फिर उसका पर्दा। मौजिद सरदार साहिबान, मैं आप सब का मशकूर हूँ कि आप सब ने इस पीर के डेरे पर मिल बैठने का शर्फ बख्शा है। फैसला करने वाले आप हैं, मैं सिर्फ खैर के लिए दुआगो। मैंने अपनी दस्तार बंदी के वक्त अहद किया था कि मैं इस कौम के तफाक और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा, और आज मेरी यहां मौजूदगी भी इस बात की दलील है कि मैंने इतने बड़े वाकये को कोई मसला नहीं बनाया। और मैं समझता हूं कि मीर गौराम की भी यही सोच होगी। अब काबिल कबूल शरायत का इजहार कर दिया जाए ताकि इस मामले को आसानी से निपटाया जा सके। आज मेरा यहाँ मौजूद होना इस बात का सबूत है कि मेरे ख्यालात मीर चाकर से मुख्तलिफ नहीं है। रिवायत को सब जानते हैं, इनसे नाराज भी नहीं किया जा सकता। मैं चाहता तो मीर चाकर के साथ मिलकर कोई फैसला कर सकता था, तो अब रिवाज के मुताबिक पहली शर्त यह है कि हिप्तान ब्यूरिक को हमारे हवाले किया जाए कसास के तौर पर। दूसरी सूरत में उमर नुहानी की घोड़ी कसास के तौर पर हमारे हवाले की जाए ताकि गलती के एतराफ के तौर पर निशानी हमारे पास रहे। इसके अलावा कोई और सूरत? तीसरी सूरत न मैं चाहूंगा न आप। ठीक है, अब हमें दो दिन की मोहलत दी जाए ताकि इन दोनों में से एक शर्त पूरी कर दी जाए। मीर पालाच, एक घोड़ी, सिर्फ एक घोड़ी, क्या तुम समझते हो कि वो एक घोड़ी हमारे बेशुमार आदमियों का खून बहा हो सकती है? बजायर नहीं। तो क्या तुम समझते हो कि इस तरह हमने मीर चाकर खान को इंतखाब के एक मुश्किल दौराहे पर ला खड़ा किया है? रामायण, सरदार चाकर खान प्योरक और हेप्तान को हमें खून बहा में नहीं देगा।
लेकिन सरदार होने के नाते वो मीर उमर नौहानी की घोड़ी शायद ले आए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ। तुम उमर नौहानी का कौल भूल रहे हो जो उसने चाकर के भरे दीवान में दिया था? रामायण, उमर नौहानी घर पे मौजूद नहीं और चार दिनों तक उसकी आमद मुमकिन नहीं, जबकि सरदार चाकर खान ने घोड़ी हमें दो दिन के अंदर अंदर ला कर देनी है। अब देखते हैं किसकी घोड़ी आगे निकलती है। तीन शर्तें रखी है मीर गौराम ने। पहली ये कि मैं बेरुख और मीर हेप्तान को उसके हवाले कर दूं। दूसरी ये कि मैं मीर नुहानी की घोड़ी उसे दे दूं या फिर जंग। अब खैर के लिए मैंने अपनी दानिश में यही मुनासिब समझा है कि मैं उसे मीर नुहानी की घोड़ी दे दूं। तुम मीर नुहानी की बीवी होने के नाते घोड़ी के बारे में उसके कौल को अच्छी तरह से जानती हो। अब सोच लो, क्या तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर सकोगी? मीर बेरुख और अत्तान की खैर के लिए मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, लेकिन आप। मेरी बात रहने दो, खैर के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। खैर के लिए जान देने में मुझे भी कोई घबराहट नहीं। आप घोड़ी ले जाएं। थोड़ा में थे बै। बहरहाल सबब कुछ भी हो, लेकिन मीर चाकर के खिलाफ हमारी ये चाल नाकाम हो गई। आमीन। हमारी ये चाल नाकाम नहीं हुई, बल्कि असल बाजी अब शुरू हुई। वो कैसे? वो यूं कि उमर नौहानी घर लौटने पर जब अपनी घोड़ी को मौजूद नहीं पाएगा और सूरत हाल का इल्म हो जाने पर वो अपना कौल निभाने के लिए न सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल कर देगा, बल्कि बगैर इजाजत घोड़ी ले जाने पर कौल के मुताबिक वो सरदार चाकर को मौत के घाट उतार देगा। जहां तक बीवी का ताल्लुक है तो उमर नौहानी उसे कत्ल कर सकता है, लेकिन क्या वो सरदार चाकर से टक्कर लेने की जुर्रत कर सकेगा? रामायण, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगर वो नाकाम भी हो तो उमर नौहानी और सरदार चाकर में दोस्ती खत्म और दुश्मनी जन्म लेगी। हमारे लिए ये बड़ी बात होगी। मेरी गोली कहाँ है? मैं पूछता हूं, मेरी गोली कहां है? वो मैंने दे दी। किसको? किसको? बेरुख और अत्तान की खैर के लिए। अब तुम अपना कॉल पूरा करो। जो भी शख्स मेरी इजाजत के बगैर मेरी घोड़ी ले गया मैं उसे कत्ल कर दूंगा। घर से घोड़ी ले जाने पर न सिर्फ मैं उस शख्स को बल्कि अपनी बीवी को भी कत्ल कर दूंगा। ये मेरा कॉल है। खुदा की कसम, अगर तुम बेरुख और वतन के खैर के लिए घोड़ी न देती तो मैं तुम्हें जरूर कत्ल कर देता। लेकिन ये तो पूछो कि घोड़ी कौन ले गया है। अब मुझे ले जाने वाले के नाम से कोई गरज नहीं, चाहे वो जो भी हो। मुराद, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अपने मंसूबे पर अमल करने का इससे बेहतरीन मौका कोई और नहीं। वो कैसे? तुम्हें पता है कि उमर नौहानी कौल हार चुका है और इस खैर की खुशी में
जाड़ों ने कल अपने घर पे एक दावत का इत्माम किया है। मेरे लिए क्या हुक्म है? तुम्हें अब ये करना है कि तुम मेरी बात समझ गए हो ना? जी बाजी। बस तो फिर जैसे ही मीर बालाज के तुम्हें इशारा मिले, तुम जाड़ो के बेटे को। हैरानी की बात है, तुमने जिद करके घोड़ा खरीदा है और मुझे तो इस घोड़े के नस्ल के बारे में। नस्ल की नहीं, असल की बात किया करो। मेरे ख्याल में तो नस्ल और असल दोनों का मतलब एक ही होता है। मीर, वो आपके घोड़े ने, वो आपके नए घोड़े ने। बात मुकम्मल करो। मीर घोड़ा बिदक गया था, जख्मी कर दिया इसे। पसंद के इतनी कीमती घोड़े को इस बेदर्दी से मारना? इसने मेरे बेटे को जख्मी कर दिए। खुदा की कसम, मेरे बेटे के जिस्म पे आने वाले एक तो एक खराश के बदले में मैं ऐसे हजारों घोड़ों को हला कर सकता।